नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। फिल्म आदिपुरुष रिलीज होने से पहले यह संदेह तो सभी के मन में था कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम, हनुमान जी और रावण को दिखाया गया है वह कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, लेकिन रिलीज होने के बाद दर्शकों ने जो स्क्रीन पर देखा उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सड़क छाप डायलॉग्स आप हनुमान जी या अन्य पात्रों से कैसे बुलवा सकते हैं, और अपनी गलती ना मानकर डायरेक्टर ओम राउत और महान लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला हर टीवी चैनल पर अपनी त्रुटियों को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। इन डायलॉग्स में क्या है जो कमजोर है? क्या यू डिलिबरेटली ट्राई टू ओवरसिंपलीफाई इट? यस, कंप्लीटली। इट इज नॉट एन एरर, इट इज अ वेरी मेटिकुलस थॉट प्रोसेस दैट हैज गॉन इनटू राइटिंग द डायलॉग्स फॉर बजरंगबली। डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये है कि हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं, अर्नब? मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। लेखक मनोज मुंतशिर का कहना है कि उन्होंने यह डायलॉग्स काफी सोच समझ कर लिखे हैं ताकि यंग जनरेशन रामायण को अच्छी तरह समझ सके। यह बात कितनी हास्यास्पद है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं, जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो आज की आम भाषा में तो बहुत सारे लोग गाली गलौज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या धर्म में आप इसकी छूट दे सकते हैं? कल को आप कहेंगे कि रामायण हम आम भाषा में लिखेंगे, कल को आप कहेंगे कि हम रामचरितमानस आम भाषा में लिखेंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें आम भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? तो आम भाषा में तो लोग गाली गलौज का इस्तेमाल करते, तो आप गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे फिल्मों में?